बिग बॉस सीजन 17 से आखिर किसका होगा एलिमिनेशन, शॉकिंग एलिमिनेशन। सलमान खान ने दिया बिग बॉस के कंटेस्टेंट को ये बड़ा झटका, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। बिग बॉस के घर में इस बार एक बड़ा एलिमिनेशन देखने को मिलने वाला है। आखिर कौन होगा एविक्ट, किसका नाम है सबसे अव्वल नंबर पर, किसको मिले हैं सबसे कम वोट, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। सलमान खान आए और एक कंटेस्टेंट अपने साथ ना ले जाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है। 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट जिसमें अनुराग, अंकिता, ऐश्वर्या और नील शामिल हैं। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का गेम कैसा है ये तो सलमान कई बार फटकार लगा चुके हैं, लेकिन इस बार बिग बॉस के घर में होने जा रहा है एक शॉकिंग एलिमिनेशन, शॉकिंग इविक्शन, जिसके बाद लोगों के होश उड़ जाने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस बार के नॉमिनेशन में, और जाहिर सी बात है अगर वोटिंग के हिसाब से निकाला जाएगा तो अनुराग को तो निकालने से रहे, अनुराग को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है। अंकिता लोखंडे टॉप पर है, सेकेंड नंबर पर अंकिता को जनता का प्यार देखते मिल रहा है। सलमान खान ने भी कई बार ऐश्वर्या और नील को क्लास लगा चुके हैं, फटकार लगा चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि कहां वो गलत है। बावजूद ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट का गेम जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है, नील भट्ट तीसरे पोजीशन पर हैं और चौथे पोजीशन पर ऐश्वर्या शर्मा। तो जी हां, सलमान खान आएंगे और ऐश्वर्या शर्मा का कर देंगे बड़ा एलिमिनेशन। ऐश्वर्या शर्मा जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव दिख रही हैं इस घर में, लेकिन आप मेरी बात मानना, इस बार ऐश्वर्या शर्मा का एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि सलमान खान ने फटकार लगा दी हैं और ऐश्वर्या शर्मा को एक मौका दिया जाएगा। भले ही ऐश्वर्या शर्मा घर में कलेश कर रही हैं अंकिता के साथ, मुनव्वर के साथ, आयशा के साथ, घर के सभी कंटेस्टेंट पे गुस्सा निकाल रही हैं, लेकिन ऐश्वर्या शर्मा दे रही हैं कंटेंट और सलमान खान इस बार एटलीस्ट ऐश्वर्या शर्मा को दे सकते हैं एक बड़ा मौका, या फिर हो सकता है ऐश्वर्या का शॉकिंग एलिमिनेशन। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, क्या आपको भी लगता है कि ऐश्वर्या शर्मा को एक मौका देना चाहिए, या आप मानते हो ऐश्वर्या का गेम सबसे वर्स्ट है, इसको घर से बेघर कर देना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।